पेड़ों और पत्तियों की इस पूरी विविधता में उन्होंने एक ही पत्ती क्यों चुनी? किसी ने इसे पहचाना और ये सबसे अलग है, आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। ये हमेशा कहा गया कि विल्वा शिव को प्रिय है। आप विल्वा पत्ती अर्पित करके फिर इसे अपनी छाती की जेब में रखकर घूमिए, इसका आपके ऊपर फर्क पड़ेगा, आपके स्वास्थ्य, खुशहाली, मानसिक दशा, हर चीज पर फर्क पड़ेगा। हम भी ऐसा करने की सोच रहे हैं जैसा देश के कुछ हिस्सों में कुछ लोगों ने किया है। उन्होंने उन सभी पत्तियों और फूलों का संरक्षण करने की कोशिश की है जिन्हें पवित्र माना जाता है। उन्हें पवित्र क्यों माना जाता है? किसी एक फूल को दूसरे से ज्यादा पवित्र क्यों माना जाता है? ये क्या बकवास है? क्या ये किसी तरह का पक्षपात है? देखिए, यहां पर अभी दो पेड़ हैं। ये फूल का पेड़ है और वो क्या है, वो पेड़ अक्सर सड़क के किनारों पर पाया जाता है। मैं नहीं जानता उसे लोग क्या कहते हैं। आपको समय बिताना चाहिए इन सब चीजों के लिए, आपको समय देना होगा। अगर आप इस पेड़ और उस पेड़ के साथ समय बिताते हैं, अगर आप ध्यानशील हो जाते हैं, तो आप देखेंगे कि आप सहज ही इसकी ओर जाएंगे, उसकी ओर नहीं। ऐसा क्यों है? आखिरकार हर चीज धरती से उग रही है। नीम का पेड़, नीम का फल और आम एक ही मिट्टी से निकलते हैं, लेकिन उनका स्वाद बिल्कुल अलग है ना? वही मिट्टी, वे यही एक दूसरे के पास ही उगे हैं, लेकिन उनका स्वाद बिल्कुल अलग है। तो ये जीवन इस मिट्टी के साथ जो प्रक्रिया करता है और वो जीवन इसी मिट्टी के साथ जो प्रक्रिया करता है, वो अलग अलग होती है। अगर आप इसे एक अलग तरीके से देखना चाहें, तो एक कीड़े, एक कीट और आप में और एक दूसरे इंसान में क्या अंतर है? सब वही मिट्टी है, लेकिन फिर भी हम जो इससे बनाते हैं वो अलग अलग है ना? तो हर समाज में इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने तरीकों से समाज और लोगों को बराबर रखने की कोशिश की है, लोग अलग बन जाते हैं। कुछ खास तरह की प्रतिभा के लोग अलग दिखेंगे, कुछ खास तरह की काबिलियत के लोग अलग दिखेंगे, आप उन्हें दबा नहीं सकते, है ना? आप चाहे जो कर लें, कुछ लोग सबसे अलग होंगे, कुछ लोग साधारण से बने रहेंगे। ये हर हाल में होगा। This is bound to happen. Similarly, among other lives, also it is true. ऐसे ही जीवन के दूसरे रूपों के लिए भी ये सच है। पेड़ों के साथ भी ऐसा ही है। तो जो लोग आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, वो लगातार हर संभव तरीकों से सहारा ढूंढते हैं, क्योंकि जब आप एक लंबी यात्रा पर हो, और खासकर अगर वो इलाका आपके लिए अनजान हो, वो इलाका आपके लिए बिल्कुल नया हो, तब आप मार्ग में हर छोटे से छोटे सहारे का इस्तेमाल करना चाहेंगे। आप देखेंगे, अगर आप पहाड़ पर चढ़ रहे हो, अगर आप एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे हो, मान लीजिए आपके पास एक छोटी रस्सी है, आप वो रस्सी खोना नहीं चाहेंगे, आप उसे रखना चाहेंगे, क्योंकि आप नहीं जानते वो छोटी रस्सी कब काम आ जाएगी। अगर आप शहर में हो तो आप उसे फेंक कर जा सकते हैं, लेकिन अगर आप उस तरह के अनजान इलाके में हैं, तब आप रस्सी का एक छोटा टुकड़ा भी नहीं फेंकना चाहेंगे, क्योंकि आप नहीं जानते कि कल ये कैसे काम आएगा। तो जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, तब यही बात लागू होती है, क्योंकि एक अनजान इलाका है। लोगों ने हर उस छोटी चीज को पहचाना जो आपके लिए सहायक हो सकती है।
तो उन्होंने फूलों, फल और पत्तियों को भी नहीं छोड़ा, वो सभी चीजें जो आपकी सहायता कर सकती हैं। तो ये हमेशा कहा गया कि विल्वा शिव को प्रिय है, उनके लिए सब कुछ एक है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये शिव को प्रिय है, इसके शिव को प्रिय होने का अर्थ है कि एक तरह से इसके स्पंदन उस तत्व के सबसे ज्यादा करीब हैं जिसे हम शिव कहते हैं। वे निकट हैं, वे उसी दिशा में हैं। ऐसे ही हमने कई चीजें पहचानी हैं, सिर्फ एक खास पत्ती ही नहीं, हमने कई चीजों को पहचाना है और सिर्फ वही चीजें अर्पित की जाती हैं, क्योंकि वे आपके लिए संपर्क बनाने का साधन बन जाते हैं। आप वो पत्ती उनके पास छोड़ नहीं आते, आप उसे वहां रखते हैं और फिर वापस ले आते हैं, है ना? क्योंकि इस पत्ती में उस स्पंदन को सोखने की क्षमता सबसे ज्यादा है और आपको उसे उठाकर ले आना चाहिए। ऐसी कई कई चीजें हैं जिन्हें पवित्र साधनों की तरह पहचाना गया है, जिनका लोग इस्तेमाल करते हैं। आपको ये समझना चाहिए, इसका संबंध देवताओं से नहीं है, इसका संबंध आपसे और किसी चीज तक पहुंच बनाने की आपकी काबिलियत से है। तो मान लीजिए, तो विल्वा में ऐसी काबिलियत है, अगर आप उसे लिंग पर रखते हैं और फिर उठाते हैं तो ये उस स्पंदन को लंबे समय तक बनाए रख सकता है, ये आपके साथ बने रहते हैं। अगर आप इसे अपने साथ कुछ दिन तक रखें तो इसका असर होगा, आप इसे आजमा सकते हैं। आप विल्वा पत्ती अर्पित करके फिर इसे अपनी छाती की जेब में रखकर घूमिए, इसका आपके ऊपर फर्क पड़ेगा, आपके स्वास्थ्य, खुशहाली, मानसिक दशा, हर चीज पर फर्क पड़ेगा। तो लोगों ने इन चीजों को ध्यान देकर ध्यानमय स्थिति में पहचाना। पेड़ों और पत्तियों की इस पूरी विविधता में उन्होंने एक ही पत्ती क्यों चुनी, किसी ने इसे पहचाना, और ये सबसे अलग है, आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। आप ये भी आजमा सकते हैं, आप जाकर 10 अलग अलग तरह की पत्तियां तोड़ सकते हैं, उन सबको लिंग के पास रखें और फिर उन सबको साथ ले जाएं और आप अपने पास रखें, आप खुद ही अंतर देखेंगे। इसे देखने के लिए आप में एक खास तरह की संवेदनशीलता होनी चाहिए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो संवेदनशील हैं वे फर्क महसूस करेंगे अपनी आंखें बंद करके। अगर उनकी आंखें खुली हैं तो उनमें पक्षपात आ सकता है। आप 10 अलग किस्म की पत्तियों का गुच्छा लें, उनको एक कपड़े में यूं बांधें ताकि आप उन्हें देख न सकें कि कौन सी पत्ती है। आप उसे वहां रखें, मैं आपके लिए वो पत्ती पहचान लूंगा। दूसरी चीजें हो सकता है मैं ना पहचान पाऊं, आप विल्वा वहां रखिए, मैं बता दूंगा ये विल्वा है। उसके लिए आपको मुझे बुलाने की भी जरूरत नहीं है, आप अपना रुद्राक्ष लीजिए और उसे पकड़िए, वो आपको बता देगा, वो आपसे थोड़ा ज्यादा बुद्धिमान है, पता है।